नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने तमाम साजो सज्जा के साथ, कार्यकर्ता के साथ, महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ आज पटना की सड़कों पर प्रतिरोध मार्च करने के लिए उतरे हैं। और ये तस्वीरें हैं पटना के विभिन्न चौक चौराहों की, जहां से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का काफिला गुजरा है। आप तस्वीरों में देखिए अपने स्क्रीन पर कि तेजस्वी यादव जो है उनके साथ हजारों की हुजूम जो है वो उनके साथ उमड़ पड़ी है, और सरकार को एक तरह की चेतावनी जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ और तमाम जो हुजूम है उसके साथ सत्ता पक्ष को दे रहे हैं कि सरकार जागो, नहीं तो परिवर्तन हो सकता है। इसी उद्देश्य के साथ आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है ये मार्च निकाला है, प्रतिरोध मार्च निकाला है, और कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना की सड़कों से होते हुए पटना के डाक बंगला चौराहा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और जगाने की कोशिश की है सरकार के खिलाफ। अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को, पहले आप वो सुने। दिल्ली जैसे शहर में जाकर के पलायन करता, रोजी रोटी मिलता है तो प्राइवेट में गार्ड का नौकरी मिलता है, आप समझ जाइए उसको 8,000-7,000 दिल्ली में उसका तनख्वाह मिलता है, तो 8,000 में इस महंगाई की मार, इस बेरोजगारी की मार आम आदमी गरीब कहाँ से सह पाएगा, क्या घर भेजेगा, किराए में उसका लग जाता होगा 1,500-2,000 रुपया, क्या चूल्हा में लग जाता 1,200 रुपया सिलेंडर में, डीजल में उसका परिवार रहता होगा, बच्चा का फीस में, इलाज में, उसका माँ बाप है, बीवी है, बाल बच्चा है, कहाँ से घर चला पाता होगा, छोटा भाई है या छोटी बहन है तो कहाँ से इस महंगाई के जमाने में ब्याह करा पाएगा, इतना मुश्किल है, कठिन है। लेकिन ये सरकार को किसी भी हालत में हम लोगों को गिरा के रहना है, गिरा करके रहना है, जनता की सरकार को बनाना है, जनता की गरीब की सरकार को बनाना है। सरकार हिलाया नहीं ना, ऐसे ही नहीं धीरे धीरे हिलाएंगे, एक के बाद पटाख से गिराना कि नहीं गिराना, लाइए ना कदम तो देगा। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है और देश को बचाना है तो भाजपा को उखाड़ फेंकना होगा, भाजपा को भगाना होगा। और इसी नारे के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तमाम महागठबंधन के नेता जो थे वो उन्होंने आज पटना की सड़कों पर प्रतिरोध मार्च निकाला। और कहीं ना कहीं इसमें खास बात यह रही कि राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव अपने भाई के साथ साये की तरह दिखे, और साथ ही साथ तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पूरी तरह समर्थन में दिखे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो या फिर लेफ्ट पार्टी के तमाम विधायक, सभी एकजुट दिखे और सड़कों पर
तीन झंडे जो हैं लाल सलाम, राजद और कांग्रेस, ये तीनों झंडे पटना की सड़कों पर भी लहराते हुए दिखाई दिए और सरकार को कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी गई है महागठबंधन के द्वारा इस प्रतिरोध मार्च के जरिए। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें एच डी न्यूज के साथ और देखते रहें एच डी न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।